हरियाणा के जिला पानीपत में एक रोचक मामला प्रकाश में आया है। बता दें कि डाक विभाग की लापरवाही के चलते पानीपत के रहने वाले नरेश कुमार ने 2.5 साल तक हक और सच के लिए संघर्ष किया है। 10 रुपए के गलत पोस्टल ऑर्डर के खिलाफ तहसील कैंप के 56 साल के टाइपिस्ट नरेश कुमार ने केंद्रीय सूचना आयोग दिल्ली तक लड़ाई लड़ी है। 2.5 साल के लंबे संघर्ष के बाद अब डाक विभाग ने माफी मांगकर मनी ऑर्डर से 11 रुपए भी भेजे हैं। हम आपको बता दें कि 2.5 साल पहले नरेश कुमार ने पोस्टल ऑर्डर खरीदा था। पोस्टल ऑर्डर पर 2 नंबर लिखे थे। इस पर टाइपिस्ट ने डाक विभाग से पूछा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन। इस मामले में हरियाणा डाक सर्कल अंबाला के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल ने कहा कि इस भारतीय पोस्टल ऑर्डर की छपाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस लुधियाना पंजाब से हुई है। इसमें डाकघर के किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी निश्चित करना संभव नहीं है। किसी कारणवश डाक सहायक ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो खरीदार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे सुनिश्चित कर ले कि जो वस्तु खरीदी है वह सही स्थिति में है या नहीं। अब मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल ने सीनियर सुप्रिंटेंडेंट करनाल से कहा कि यदि पोस्टल ऑर्डर सही स्थिति में है और अपील करना चाहे तो उन्हें नया पोस्टल ऑर्डर दे दें या उसकी कीमत लौटा दें। इसके बाद नरेश वर्मा केंद्रीय सूचना आयोग पहुंच गए। आयोग ने सुप्रिंटेंडेंट कार्यशैली को गलत बताया और समाधान का आदेश दिया। इसके बाद डाक विभाग का कर्मचारी 11 रुपए मनी ऑर्डर लेकर नरेश कुमार के घर पहुंचा और माफी मांगकर गलती के लिए क्षमा मांगी। वहीं पानीपत के रहने वाले नरेश कुमार का कहना है कि उन्होंने डाक विभाग को उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए 2.5 साल तक संघर्ष किया ताकि इस प्रकार की गलती डाक विभाग दोबारा ना करे। देखने में ये कहानी बड़ी रोचक लगती है, लेकिन इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियां कई बार लोगों को परेशानी में डाल देती हैं। ये जुलाई 2018 में मैंने पोस्टल ऑर्डर खरीदा था, तो 10 फोटो थे। इसमें एक में जो नंबर ये अलग अलग था, तो मैं उनके पास गया, मैं कहा जी ये नंबर जो है डिफर है, इसमें दोनों में एक होना चाहिए, अलग अलग है। कहना जी हम क्या कर सकते हैं, ये तो पीछे से जैसा आया था हमने दे दिया है। उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो मैंने इसकी लड़ाई लड़ने की योजना बनाई। मैं RTI लगाता रहा, तो करनाल वालों ने जवाब दिया कि जांच चल रही है, इस जांच के बाद ही आपको जो है ना इसका कोई जवाब दिया जा सकता है। उसके बाद मैंने अंबाला भी लगाई। अंबाला उन्होंने कहा कि ये प्रिंटिंग प्रेस की गलती है, कोई मानव की गलती नहीं है और आपको भी देख के लेना चाहिए था। मैंने फिर दिल्ली इसकी कमिश्नर के अपील कर दी, तो यहाँ 4 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल हुई। उसमें उन्होंने कहा कि इसको जाँच की कॉपी दो और 11 रुपये रिटर्न करो। तब उन्होंने 12 को मुझे ये 11 रुपये रिटर्न करे, सॉरी फील करी कि भाई आगे कोई आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को काफ़ी ये 2 साल तक मेरे को संघर्ष लड़ना पड़ा, ये अपने हक के लिए और उनको गलती का एहसास दिलाने के लिए मैंने ये लड़ाई लड़ी। क्या शुभ नाम है जी? मेरा नाम नरेश कुमार वर्मा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।